राजधानी में किसान मेला चल रहा था। इसमें खेती से जुड़े कई हाईटेक उपकरण आए हैं। इनमें से एक है 55 किलो वजनी ड्रोन। बेंगलुरु की एक कंपनी ड्रोन लेकर आई है जो 6 मिनट में एक एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। इसकी कीमत 16 लाख रुपए है। किसान मेले में 150 से ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। इनमें खेती से जुड़े ऐसे कई इनोवेशन है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। 2.8 मीटर लंबा और 2.6 चौड़े ड्रोन का वजन 55 किलो तक है। बेंगलुरु की जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसे लेकर आई है। कंपनी के मार्केटिंग हेड अभिषेक सेन गुप्ता ने बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन डिजाइन किया गया है। इसमें 16 लीटर का टैंक है जो महज 6 मिनट में 2 एकड़ जमीन पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। यह ड्रोन DGCA सर्टिफाइड है। मार्केटिंग हेड सेन गुप्ता ने बताया कि ड्रोन फसल से 3 गुना ऊंचाई से कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। इसमें 6 नोजल लगे हैं। टैंक बड़ा होने से एक बार में 2 एकड़ में छिड़काव कर सकता है। एक बार चार्जिंग में 3 बार यानी 6 एकड़ में छिड़काव की कैपेसिटी है। ड्रोन में लगी बैटरी को फुल चार्ज होने में 40 मिनट लगता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कंपनी ने इसे डेमो के लिए रखा है। अगले 1-1.5 साल में यह किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक किसान ने ऑर्डर दिया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए बकायदा किसान को लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा व्हीकल की तरह ही ड्रोन का लाइसेंस भी मिल सकेगा। मेले में कृषि बागवानी डेयरी और खाद प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर मिल्क मशीन जैविक उत्पाद केमिकल व फर्टिलाइजर टिश्यू कल्चर आदि देखने को मिलेंगे। मेले में भोपाल से हो रायसेन विदिशा एवं राजगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान शामिल हो रहे हैं। तो अभी ये जो ड्रोन है ये खासकर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए बनाया गया है। कोई भी लिक्विड स्प्रेइंग इससे हो सकता है। इसका टंकी का क्षमता है मतलब कैपेसिटी है 16 लीटर की और 16 लीटर में आप 2 एकड़ तक की ज़मीन की स्प्रेइंग कर सकते हो। एक बैटरी चार्ज में आप 6 एकड़ ज़मीन तक की स्प्रेइंग हो सकती है और इसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो कोई भी फॉर्म ऑफ स्प्रेइंग से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अभी धीरे धीरे फार्मर्स या FPOs या गवर्नमेंट ये लोग ये अडॉप्ट कर रहा है। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है